अच्छा मेरा सवाल इमरान और अक्षय सर आप दोनों से है कॉमन क्वेश्चन है आपके लाइफ में सेल्फी का कितना बड़ा रोल रहा है कोई ऐसा अनएक्सेप्टेबल मोमेंट आप दोनों के लाइफ का कुछ शेयर करना चाहेंगे सेल्फी का अनएक्सेप्टेबल मोमेंट जी, जी नहीं ऐसा कोई मोमेंट नहीं रहा है आई थिंक जैसे अक्षर ने कहा कि आजकल वो जो एक लैंग्वेज बदल चुकी है जो ऑटोग्राफ हुआ करता था पंद्रह साल पहले वो अभी सेल्फी में बदल चुका है आई थिंक फैंस की एक्साइटमेंट उनका प्यार वो अभी एक तरह से आइडेंटिटी भी हो गया ना कि वो सब सोशल मीडिया पे है वो एक तरह से वैलिडेशन भी चाहते हैं अपने स्टार्स के जब मिलते हैं तो उनको एक सेल्फ़ी चाहिए वो एक्साइटमेंट कभी कभार यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज एन एक्टर आई थिंक लेकिन जो सबसे ट्रिक अगर आप बोल रहे हो कि ए, ऐसा लम्हा जो शायद बहुत ट्रिकी हो गया था आई थिंक सबसे ट्रिकी फैन वो है जिस जिसको पता नहीं होता है कि उसके कैमरे का ऐप कहाँ है फ़ोन में <laughs> जब आप गॉड फॉरबिट कहीं फ्लाइट कुछ पकड़ रहे हैं और उनको पता नहीं है कि कैमरे का ऐप कहाँ है और जब वो ढूंढ रहा है आप फोन पे तो वो बड़ा ट्रिकी हो जाता है जल्दी में और और फिर, फिर वो 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 टाइमर 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 वाले वाले भी होते हैं वही वो वो फैन जब <laughs> सेल्फी लेता है तो उसको अपने एंगल से प्रॉब्लम होता है फिर आपको वहां पे और एक मिनट बिताना पड़ता है फिर उसके बाद जब वो खींचता है तो ब्लर आता है स्नैप तब तक आपकी फ्लाइट निकल गई होती है अच्छा सर उसके उसके ऊपर एक और कहानी भी आती है और साथ में कभी कभी वो ये भी कह जाता है ये मेरे लिए नहीं है मेरा बच्चा आपका बहुत बड़ा फैन है जो ये मैं उसके लिए खिंचवा रहा हूँ वो कमाल की एक लाइन होती है वो बहुत बढ़िया लाइन होती है और उसकी आंखों में देख रहे होते भैया तू हमसे फोटो खिंचवाना चाहता है बोल देना यार क्या प्यार ही तो करना है तूने हम जाके ये दिखाने की क्या जरूरत है कि मैं अपने बच्चों के लिए खिंचवा रहा हूँ या माँ बाप के लिए खिंचवा रहा हूँ लेकिन बढ़िया रहता है वैसे मैं आपको बताऊँ ये जो फिल्म हमने बनाई है मैंने जब पृथ्वी का फोन आया था मैंने जब ये फिल्म देखी यार ये फिल्म है ना इट इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द फैंस ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड दिस इज अगर आप जब देखोगे ना ये फिल्म को सो so इट uh, आपको लगेगा कि वाकई में इट्स शुड भी डेडिकेटेड एंड वाकई में ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ द फैन्स वी आर लाइव नहीं तो हमारी औकात नहीं है हमारे कुछ भी नहीं है मतलब हम जिंदा भी नहीं रह सकते दैट दिस होल फिल्म आई वॉन्ट टू अनाउंस इट दिस होल फिल्म इज डेडिकेटेड टू ऑल द फैन्स ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड